एक एग्जाम तो गया, क्या अब होगा यूजीसी नेट भी पोस्टपोन? यानी कि 18 जून की जो एग्जाम होने वाली है, क्या अब वो पोस्टपोन होने की संभावना है या नहीं, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर खुश होने वाली बात है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दुखी होने वाली बात है। क्या सब पूरा माजरा है, क्या पूरी बातें हैं, उसको करेंगे यहाँ पर। आपको देखिए ऑलरेडी जानकारी होगी, नीट के संबंध में कुछ बातें हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है, जो भी यहाँ पे कह रहे हैं आपको, वो किसी प्रकार से जो चीज आपके लिखित में आ रही है एज अ प्रूफ आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बात कर रही है। यहाँ पे हवा में किसी प्रकार के स्पेकुलेशन यहाँ पर नहीं लगाए जा रहे हैं। जो चीज आपके सामने देखने को मिलेगी अभी आपको, उसके आधार पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज डेट कौन सी है? डेट आपकी यहाँ पर 12 जून, और आपकी जो एग्जाम है वो कब है? वो है आपसे केवल 6 दिन दूर, यानी कि 18 जून को आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। कौन से बोर्ड में? आपके ऑफलाइन मोड में। लेकिन आज देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो आपकी आंखें खोल देगा कि आपका एग्जाम जो है आगे जाकर मे बी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो भी होता है उसके साथ आपका एग्जाम पोस्टपोन होने की संभावना अभी थोड़ी सी जो है लाइकलीहुड जो है इसका है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। क्या आपको लगता है ऐसा, क्या आपको नहीं लगता है, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज हो रही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पब्लिक नोटिस जो निकाला गया है यहाँ पर एनटीए के द्वारा, और तारीख देख रहे हैं आप कौन सी है। तारीख है आपकी यहाँ पर 12 जून 2024, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? रीशेड्यूलिंग ऑफ द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी 2024। अब ये कौन सा एग्जाम है ये इनको मालूम होगा, एनसीईटी वाला जो एग्जाम है, ठीक है। ये कंडक्ट होना था कब यहाँ पर? ये कंडक्ट होना था आपका 12 जून को, है ना। यहाँ पर देखिए नीचे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपको दिखा रहे हैं इन्होंने ही ऑफिशियली अपने वेबसाइट पर डाला हुआ है, वहां से आपको ये सारी जानकारी दी जा रही है। हवा में किसी प्रकार की बातें नहीं हो रही है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम देके देख लीजिए। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल स्टेक होल्डर्स, जो भी है, विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन 12 जून 2024, यानी कि आज ही के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे कुछ समय पहले आपकी ये जो परीक्षा थी 12 जून का शेड्यूल थी, कब कितने बजे से? 2 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है। 2 बजे से लेके 5 बजे तक आज ही जो एग्जाम थी इन्होंने लेने वाले थे, लेकिन अभी देखिए इन्होंने आगे जाकर क्या किया है, और वो जो है आपको भी ध्यान रखना है, आपके साथ भी कभी भी हो सकता है, और आप इसके लिए प्रिपेयर रहे मेंटली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम है किसके लिए ली जा रही है वो सब आपके मतलब का नहीं है। दिस ईयर 40,000 बच्चों ने यहाँ पर रजिस्टर किया था इसके लिए, एनसीईटी एग्जाम यानी कि आज की जो एग्जाम है 12 जून के लिए, उसके लिए यहाँ पर 40,000 ने यहाँ पर रजिस्टर किया था अकॉर्डिंग टू बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन डेटा। अभी आपको यहाँ पर देखिए अलर्ट रहना है, आपको ध्यान देना है यहाँ से जो चीजें स्टार्ट हो रही है। अकॉर्डिंग टू बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन डेटा, ठीक है, approximately 29,000 candidates appeared for the examination at 292 centers located in about 160 cities across the country, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? कहानी क्या है यहाँ पर कि 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन पहुंचे कितने? पहुंचे केवल यहाँ पर 29,000, यानी कि उनको मालूम तो है कितने बच्चे आए थे, यानी कि ये सारे बच्चे कहाँ पर गए थे? सेंटर तक तो पहुंच चुके हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे बच्चे 12 जून को एग्जाम देने गए थे ये 29,000 लोग, ठीक है। अब कहाँ पर है उनको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एट 292 सेंटर्स, कितने सेंटर है वो भी ध्यान दीजिए यहाँ पर, कितने हैं सेंटर? 292 सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं, 160 सिटीज दी हुई है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, देखना है अभी आगे। अनफॉर्चुनेटली, अब देखिए यहाँ से जो नया खेला स्टार्ट होता है, अनफॉर्चुनेटली, है ना, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली नहीं था बिल्कुल ये भी, ड्यू टू टेक्निकल रीजंस वेल नोन टू देम, द एग्जामिनेशन विच हैड कमेंस्ड एट सम सेंटर्स, यानी कि कुछ सेंटर में जो एग्जाम शुरू हुआ था, कुड नॉट बी इनिशिएटेड एट ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स। मतलब ये स्टेटमेंट पहला फिनिश नहीं कर पाए, कॉमा लगा के बोल रहे हैं, कुड नॉट बी इनिशिएटेड एट ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, हर एग्जाम सेंटर में ये कंडक्ट नहीं हो पाया प्रॉपरली, जिसके पश्चात एज अ रिजल्ट द एग्जामिनेशन हैज बीन पोस्टपोन्ड, अ न्यू डेट फॉर द एनसीईटी 2024 विल बी अनाउंस सून थ्रू द ऑफिशियल एनसीईटी पोर्टल, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है? नहीं क्लियर है, क्लियर करते हैं यहां पर। देखिए कुछ एग्जाम जो है आपका कमेंस हुआ था कुछ सेंटरों में, यानी कि 292 में से कुछ जगह स्टार्ट हुआ था, लेकिन could not be initiated at all examination center, 292 के 292 में वो properly नहीं ले पाए, ऐसा कह रहे हैं as per this proforma, as a result the examination has been postponed, यानी कि 29,000 बच्चे जो अपने अपने सेंटरों में पहुंचे थे आज के दिन, यानी कि 12 जून को कितने बजे से? दोपहर की गर्मी में 2 बजे से लेके 5 बजे तक जो पहुंचे थे, कुछ लोगों की जो एग्जाम थी वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कॉमा लगाने के बाद कि हर जगह पे जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया प्रॉपरली, इनिशिएट यहाँ पर नहीं हो पाया, ठीक है, इनिशिएट यहाँ पर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्या किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो एग्जाम है इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। डेट अभी तक बताई नहीं है कब तक पोस्टपोन होगा, और ये आपको जो है कहाँ पर, एनसीटीई का जो पोर्टल है वहां पर आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये 29,000 बच्चे आज परेशान हुए, यस बिल्कुल परेशान हुए, है ना, वो कब बता रहे हैं, इनिशिएट नहीं कर पाए, यानी कि आज 2 बजे से लेके 5 बजे तक प्रॉपरली इनिशिएट नहीं कर पाए वो लोग, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि जहां पर एटलीस्ट इनिशिएट हो पाया था
उन लोगों को तो पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खैर वो यहाँ पर विषय नहीं है यहाँ पर, लेकिन लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो एनसीटी वाले बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए यहाँ पर कि आपको लोग को एटलीस्ट, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, पूरे के पूरे जितने बच्चे थे 29,000 वाले बच्चे थे है ना, सभी को क्या कर दिया है, सभी के लिए यहाँ पर उन्होंने जो है पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, जिनका भी बायोमेट्रिक डेटा गया था, यानी कि सब चीज हुई वहां पर, सेंटर में पहुंचे, बायोमेट्रिक डेटा भी लिया, आपने लास्ट टाइम दिया होगा अगर ऑनलाइन नेट वालों ने तो आपको आइडिया होगा बायोमेट्रिक क्या होता है ना, तो वो सारी प्रक्रिया हुई, सारी प्रोसीजर हुआ, एसी वाले रूम में सब बच्चे बैठे भी होंगे, देन स्टिल उनका जो एग्जाम है पोस्टपोन कर दिया है। मतलब आप समझिए संभावना ये तक हो सकती है कि आप एग्जाम हॉल तक पहुंचे एंड देन उसके बाद भी आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है एक तरीके से, और नहीं भी रहना है। क्यों नहीं रहना है, क्योंकि जो एग्जाम था ये कौन सा था, ये आपका सीबीटी मोड था। ठीक है, एग्जाम जो कौन सा था आपका, ये एग्जाम सीबीटी मोड था, लेकिन राहत की बात आपके लिए नहीं है यहाँ पर अभी है ना, 29,000 बच्चों का सोचिए है ना, भले ही सीबीटी मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, कोई भी मोड हो, बच्चा वहां तक पहुंच रहा है इतनी मेहनत से पढ़ के ये सब चीजें करके वहां पर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सही चीज यहाँ पर नहीं हुई है, सीबीटी मोड था यहाँ पर। ठीक है, जिस वजह से वो 292 सेंटर्स में प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करा पाए है ना, तो अब क्या 292 के 292 सेंटर में खराबी होगी कंप्यूटर में है ना, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम तो क्या हो गया है, एग्जाम तो यहाँ पर पोस्टपोन हो गया है, यानी कि इतने बच्चे पहुंच गए उसके बावजूद भी सारे के सारे 29,000, अब ये भी एक सवाल है कि सारे के सारे 29,000 को नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा या जो 40,000 ने भरा था जो नहीं गया था उनको भी यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, उसको भी यहाँ पर देखना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एग्जाम तो एटलीस्ट आज का जो एग्जाम था 12 जून का, इसको दो पोस्टपोन कर दिया है ना। अब 12 जून के बाद अगला जो एग्जाम होने वाला है वो कब है, वो है आपका यहाँ पर 18th of June को, 18 जून 2024 को एग्जाम होने वाला है आपका, किसका, आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, और ये कौन से मोड में होने वाला है, ये होने वाला है आपके ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो जब यहाँ पर वो जो है एग्जाम सेंटर बच्चा पहुंच गया है उसके बाद भी वो सभी लोगों के लिए यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो फिर आपका ये जो एग्जाम अभी होने वाला है तो इसके ऊपर भी संभावना, आपके जो काले बादल हैं इतनी भरी धूप में भी काले बादल यहाँ पर घिरने वाले हैं कि ये भी आपका जो है यहाँ पर पोस्टपोन होने की कगार में जा सकता है, संभावना जा सकता है। क्यों, क्योंकि आप जो देख रहे हैं पूरा जो नीट वाला जो चल रहा है पूरा मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है वो सब चीजें, लेकिन इसका इस आपके एग्जाम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट चूंकि यहाँ पर इन्होंने ये एग्जाम इस प्रकार से पोस्टपोन किया है इसलिए आपको ये वीडियो बना के बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि ऐसा चीज हो गई है, ये एग्जाम को पोस्टपोन किया है ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजंस वेल नोन टू देम। ठीक है, तो इस वजह से आपकी संभावना एंड देन नीट का पूरा मैटर एंड देन मीडिया प्रेस ये सब एक्टिवेट है, तो इस वजह से आपकी संभावना यहाँ पर है ये थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है कि आपका भी ये जो एग्जाम है ये पोस्टपोन्ड कर सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो रिवीजन है वो स्टॉप कर देना है, नहीं भी होगा है ना, नहीं हो तो भी अच्छा है, हो तो भी अच्छा है, दोनों ही केसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, और अगर आप इनको देखेंगे तो इनका जो एडमिट कार्ड जो एडवांस सिटी इंटीमेशन था वो कब दिया था, इनको 5 तारीख को दिया था, यानी कि 12 को एग्जाम थी, हफ्ते भर पहले इनको जो है 5 जून को बता दिया गया था कि आपका जो सिटी है कौन सी होने वाली है, ये जो एनसीटी वाला था उनको। ठीक है, तो आपको ही बता दिया, ऑलरेडी देख लिया होगा आपने यहाँ पर, तो 18 को आपका एग्जाम है, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर प्रिपेयर रहना है कि मे भी आपका ये पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, मे भी हो सकता है, यहाँ पे चांसेस हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा, और चांसेस नहीं भी है कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो अभी आपने देखा वो कौन सा था, वो आपका सीबीटी मोड था, सीबीटी मोड में हुआ था, लेकिन जो अभी आपका होने वाला है वो कौन सा है, वो आपका ऑफलाइन है। पेपर वगैरह सब दिल्ली से जहां से भी जाने वाला है, जो भी चीजें होने वाली है, ओएमआर वगैरह वो सब चीजें यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, एंड जो यहाँ पर नीट का जो चल रहा है पूरा मैटर, उस वजह से आपके लिए और यहाँ पर दिक्कत का सामना आपने यहाँ पर करना पड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है ये आप एग्जाम दे के आए उसके बाद आपको बोले कि पोस्टपोन कर रहे हैं, इनके लिए कुछ भी कम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर वेल प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, एग्जाम दे के आएंगे उसके बाद भी आपको बोलेंगे नहीं ये पोस्टपोन हो गया है, पूरा ये जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो आपको रेडी रहना है ऐसा कि आपको जो है एग्जाम पोस्टपोन होने की संभावना यहाँ पर थोड़ी सी जो है इंक्रीज हो चुकी है। इसका ये मतलब नहीं है कि होके ही रहेगा 100% है ना, कुछ परसेंट चांसेस जो है पहले के थे वो अब इंक्रीज हो गए यहाँ पर कि आपका जो है यहाँ पर पोस्टपोन हो सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, प्रायोरिटी दोनों की है, तो अपना जो रिविजन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर रिविजन करते रहें, लेकिन जो चीज आपके लिए बताने वाली थी ऑफिशियली उन्होंने दिया हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पर जानने वाली बात थी है ना, आपके संज्ञान में लाना चीज जरूरी थी यहाँ पर कि इस प्रकार की चीजें भी हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे देखा जाए यहां पर तो नीट की एग्जाम का और आपके नेट की एग्जाम का, क्योंकि यहां पर दोनों जो है वर्डिंग्स यहां पर सेम है, तो कुछ लोगों को लगता है कि सेम चीज है, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों ही चीजें जो है आपकी अलग अलग हैं, बस इनको जो बॉडी कंडक्ट करा रही है वो कौन है, जिनको बॉडी कंडक्ट करा रही है वो आपकी यहां पर एनटीए है।
ठीक है, जो बॉडी कंडक्ट करा रही है ये आपकी जो है ये एनटीए है। चूंकि यहाँ पर इस एग्जाम में थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर डाउट आ रहा है, इस वजह से आप ये नहीं एक्सपेक्ट या जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं कि इसके अंदर भी ऐसा होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी नो डाउट इसके अंदर ज्यादा है कि ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ये जो पोस्टपोन वाली बात है, ड्यू टू ये जो इन्होंने आज पोस्ट किया है 12 जून को, इस वजह से हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये पोस्टपोन हो सकता है मे बी, क्योंकि ये इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। एकदम से टेक्निकल सारा कुछ आ गया, सारा का सारा आ गया, तो 29,000 के सभी बच्चों के कंप्यूटर में टेक्निकल आ गया क्या, है ना, ये भी बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, आपका हो सकता है ले ले यहाँ पर और कहेंगे कि ओएमआर स्कैन ही नहीं हो रही है, मशीन खराब हो गई है, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार की बातें आपके संज्ञान में आनी जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पर बोला हुआ है, इस वजह से आपके लिए वीडियो बनाई गई है। ऑलराइट, इसका ये मतलब नहीं कि रिवीजन स्टॉप कर देना है, रिवीजन को जो है कंटिन्यू रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम होगा तो आपको तो देना तो पड़ेगा, है ना, बाकी कितने भी कुछ करता रहे कोई भी, ठीक है, रिवीजन होगा आपको, मतलब रिवीजन करेंगे आप तो आपको एग्जाम देना होगा 18 जून को, अगर होता है तो आप उसके लिए आप सभी को यहाँ पर ऑल द बेस्ट, ठीक है। एंड जिन भी लोगों के साथ आज ये हुआ उनके साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है, आप एग्जाम सेंटर तक गए, है ना, वहां जाके आपको मालूम पड़ रहा है कि पोस्टपोन कर दिया है, वो एक अलग ही ड्रामा है ना, वो अलग ही पीटीएसडी होने वाला है उन लोगों के साथ, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो प्रिपेयर रहें मेंटली, है ना, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है, बस यही कर सकते हैं। एंड देन उसी के साथ साथ आप यहाँ पर एक और चीज, वो क्या है, वो ये है कि थोड़ी सी फिलोसफी, सुख और दुख जो है आपको रहना है, अपना जो कर्म है वो आपने करते जाना है, ठीक है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सो उससे आप किंचित भी क्या रहे, आपके सिलेबस में है, स्थित प्रज्ञ रहें, ठीक है, स्थित प्रज्ञ रहें, है ना, जो होगा उसको देखेंगे, डील करेंगे, लेकिन आप जो एक चीज करने वाले हैं वो क्या है, वो रिविजन यहाँ पर कंटिन्यू रखें, चूंकि यहाँ ऑफिशियली इन्होंने इन्फॉर्म किया था, इसके लिए आपको ये बताना जरूरी था। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको पोस्टपोन होना है या नहीं होना है, जो होगा वो एनटीए के हाथ में है, ठीक है, उनको जैसा सही लगेगा, मतलब उनको सही लगेगा नहीं, एज पर उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपको ये करना होगा। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल सून।